जय गुरुदेव। पुराने सत्संगों को सबसे बेहतरीन आवाज में पाने के लिए सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। उपासना नरनारी नहीं कर सकेंगे। अब जो किसी प्रकार का भविष्य में आने वाला है, बाबा जी कहाँ आपको मोड़ लेंगे ये कोई नहीं कह सकता है कि कहाँ से किस तरह से लोगों को अपने परमार्थ में मोड़ दिया जाएगा। उसकी छोटी मोटी एक रूपरेखा आपने हरिद्वार में देखी। हरिद्वार का कोई भी नागरिक किसी भी जात पात का आपके सत्संग से सतउपदेश से आपके प्रेम और सेवा से कोई मुकुर नहीं सकता। सब लोग बड़े भाव श्रद्धा में रहे और ऐसी श्रद्धाओं का परिवर्तन पहली बार लोगों को देखने में हरिद्वार वासी स्वयं अपने को कहते हैं और हम लोगों ने भी महसूस किया जो यात्री थे। ऐसा मालूम होता है कि जरूर परिवर्तन होगा, लेकिन साधन प्रेमीजन किस तरह की कठिनाई तपस्या बाधाएं जो सामने आती हैं और किस तरह से उसको निकालते हैं, तो ये तो प्रेमियों का एक बहुत बड़ा विश्वास है और सब लोगों ने अपने अपने भक्त बनकर भगवान के साथ में ऐसा काम किया। कठिनाई का उन्होंने पूरा पूरा सामना किया और अपने भी उज्जवल हुए और भगवान जो वो तो उज्जवल था ही, लेकिन स्वयं भी उसके साथ उज्जवल हो गए। स्वयं की कीर्ति हुई और भक्तों ने अपने भगवान की भी कीर्ति की। तो ऐसा निर्मल संत मत का जो प्रचार, जिसकी आज भारत में जन जन जीवों के लिए उपकारी है और समय भी उपकार के लिए आ रहा, उसकी प्रतीक्षा समय आपकी कर रहा। आपको भी चाहिए कि जिस तरह से आपको अपने कल्याण की प्रतीक्षा कराई जाए समय की, उसी तरह से हम लोगों को भी करना है और समय का फायदा अपने मनुष्य रूपी मकान में रह करके करना। ये ऐसी संतमत की साधना है कि जिसका किसी प्रकार का भी किया हुआ फल वंचित नहीं, निष्फल नहीं हो सकता है, फलदायक रहेगा। क्योंकि साधना अपनी सच्ची, उपासना अपनी सच्ची, नाम भी सच्चा, स्थान भी सच्चा, रूप भी सच्चा, देश भी सच्चा, फिर सब नाम की साधना भी सच्ची, अपने मनुष्य रूपी मकान में दरवाजा भी सच्चा। तो जीवात्मा जो मनुष्य रूपी मकान में इस कैद खाने में बंद कर दी गई वो भी सच्ची, लेकिन बस इतना ही अंतर है कि ये गंदी हो गई, अपने किए हुए कर्मों से इस पर गंदगी आ गई और उसके उतारने के लिए हम लोगों को बस पूरा प्रयत्न करना है, करना चाहिए। महात्माओं की दया लेकर इसको उतार ही देना चाहिए, इस गंदगी को हटा देना चाहिए। ये मेहनत हम लोगों को थोड़ी सी, और वो जब ही संभव होती है कि जब जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, भजन भाव में अपने मन बुद्धि चित्त को लगाते हैं, ध्यान अपने परमार्थ का 2400 घंटे दुनिया के काम करते हुए रखते हैं, तो ये सब रगड़ाइयाँ अपनी गंदगी को दूर करने की हो रही हैं और गंदगी दूर हो जाएगी। इसलिए आज उसी प्रकार का सत्संग आप ध्यान से सुने। बोलो। सबकी आदि शब्द को जाना, अंत सभी का शब्द पिछाना। आरंभ में जो रचना सतलोक से महाकाल पुरुष ब्रह्म पार ब्रह्म ब्रह्म ईश्वर आद्या महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता, उसके बाद नरकिस्ती मृतलोक,
फिर उसके बाद 84 से नर जो भी सृष्टि का विकास विस्तार हुआ वो सब नाम पर हुआ। सतलोक में नाम भरपूर है, वहाँ किसी प्रकार की कमी नाम आवाज शब्द की नहीं है। ऊपर से जब विस्तार हुआ तो सारी जीवात्माएं नाम पर आवाज पर आई और आकर के ये विस्तार करती स्वयं भी चली आई और शब्द भी विस्तार करता हुआ पहले से आ गया। उसी पर फिर उन्होंने विस्तार किया, आकाश बन गया हम नहीं आए, जमीन तैयार हो गई, हवा तैयार हो गई, पानी तैयार हो गया, अग्नि तैयार हो गई, हम आए तो इसके अंतर्गत हमने अनेक विस्तार कर दिए। जो चीजें हम देखते हैं अपने शरीर से बनाई हुई, मकान बने हुए, सामान बना हुआ, कपड़े बने हुए हम इसको पहनते हैं, ये सब बात में हमने इस आकाश के अंतर्गत जमीन पर रहकर के विस्तार कर लिया। तो पहले विस्तार करने वाली आवाज आई उसने विस्तार कर दिया, आसमानों का सूक्ष्म तत्वों का, उसके बाद जीवात्माओं को उतारा तो हर मंडल के ऊपर में हर एक देश के अंदर जीवात्माओं ने अपना विस्तार कर दिया और वहां के विस्तार से वो जीवात्माएं सब की सब वहां फंस गई, फिर नीचे आई वहां फंस गई, फिर नीचे आई वहां फंस गई, माया के सूक्ष्म देश में आई वहां फंस गई, यहाँ मृत्यु की स्थूल देश में आई तो यहाँ फंस गई, अपने अपने विस्तार में अपने अपने मंडलों में फंस गई, लेकिन सारी रचना शब्द नाम आवाज की है। अब जब इधर आ गई तो आवाज से आई, दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, जब तक गंदगी नहीं थी तब तक आवाज का सबको बोध था, दर्शन का सबको बोध था, दिखाई भी सुनाई भी देता था, लेकिन धीरे धीरे जब गंदगी आई तो आंख और कान बंद हो गए और आवाज बराबर अपना काम कर रही है, दे रही है आवाज, बोल रही है, लेकिन हमारे आंख और कान बंद हो गए, न सुनाई देता न दिखाई देता। तो सारी रचना आवाज शब्द की नाम की है, नाम और शब्द आवाज ना हो तो कोई भी रचना किसी भी मुल्क या किसी देश में नहीं टिक सकती। हाँ, तीन लोग और चौथा लोक शब्द रचे या सब ही थोक, सब चौथा लोक हो, तीन लोक हो, यहाँ हो, सब जगह पर सत्य की रचना से ही रचना हुई, जना आवाज की रचना से ये रचना नहीं हो सकती। भाई क्या भाई आओ बोलो, शब्द सूरत दुधार समाना पुरुष अनामी के प्राण, सब कहते हैं कि शब्द और सूरत ये दोनों के दोनों उस अनामी के बिना ये जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये सारी धार वहीं से आवाज की आई और उसी धार से ये सब जो कुछ भी खेल हुआ वो हुआ, बिना उसके नहीं, वो वहां से आवाज को बंद कर ले तो एक क्षण मात्र के अंदर भी यहाँ कुछ भी नहीं रहे, न जमीन रहे, न आसमान रहे, न पानी रहे, न आदमी रहे, ना ये कुछ नहीं रहे, सारा का सारा खाका जो कुछ भी है धुआं से भी बारी बन उड़ करके नवालू अपनी अपनी चीजों में स्वाभिमान भी जा करके समा जाए। लेकिन जब तक आवाज का काम हो रहा है तब तक इस रचना का विस्तार जो है वो अनुभव में आता है, महसूस होता है, मालूम होता है, दिखाई देता है, आवाज फिर जाए बात करना। जब जीवात्मा मनुष्य रूपी मकान से उसमें भी आवाज है, सूरत में भी आवाज, जीवात्मा भी आवाज है, वो भी इस मनुष्य शरीर में गुंजारमान करती है, लेकिन पर्दों में होकर के उसकी आवाज उन्हीं पटों में टकराती रहती है, आवाज उसकी मालूम नहीं होती है। जब वो सूरत शब्द की धार के साथ मिल जाती है तो उसको पता चलता है कि मुझमें मेरी आवाज में और शब्द की आवाज में क्या है, तब उसको अनुभव होता है। तो सारा खेल सूरत का धार का वो सब उसी आवाज के ऊपर है, वहीं से उसकी आवाज निकल रही है, उसी में से ये सब सूरतों का अलग अलग भिन्न भिन्न विस्तार हो गया। चेतनता सब इनकी माना शब्द बिना कोई और नयाना, सारी चेतनता का जो आभास है बात दिखाई देता है वो सब शब्द के दूसरा नहीं, सारा खेल शब्द का ही है और कुछ नहीं, जहाँ शब्द नहीं है वहां पर कुछ नहीं, किसी प्रकार का भी अनुभव नहीं। तो शब्द जो है उसकी बड़ी भारी महिमा, अनादिकाल से नाम कह दिया, शब्द कह दिया, आवाज कह दिया, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, उद्योगित वाणी, गैप वाणी, तमाम मतलब ये वर्णन करके शब्दों में महात्माओं ने अलग अलग करके रख दिया और हरेक स्थान की अलग अलग आवाज उसको अलग अलग शब्दों में बता दिया, ये आवाज ये है, ये आवाज ये है, ये आवाज ये है, ये आवाज ये है। तो आवाज का हर मंडल में, हर देश में, हर ब्रह्मांड में, हर एक लोक में आवाज का खेल है। अब मृत लोक में आवाज की स्थूल हो गई इसलिए चेतन का अनुभव नहीं होता है, पर वो जब ही अनुभव होता है कि जब सूरत शब्द के साथ में जुड़ जाए तो चेतनता का अनुभव हो जाए,
बाकी और आवाजों के साथ में हम टकराते रहे तो उसका अनुभव जड़ता का चेतनता का नहीं, उसमें आनंद नहीं, उसमें प्रेम नहीं। और जो भी प्रेम और आनंद आभास होता है वो अपनी सूरत का होता है और वो क्षण है। शब्द गुप्त तब हुआ राम, शब्द प्रगट तब धरिया नाम। जब तक कहते हैं कि शब्द अनाम था तब तक गुप्त था, जब प्रगट हो गया तो नाम हो गया। जब तक वो प्रगट नहीं था तब तक अनाम था, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई देश नहीं। लेकिन जब शब्द उधर से आया तो नाम पड़ गया। फिर हर एक किसी का नाम पड़ जाएगा। ब्रह्म का नाम अलग है, ईश्वर का नाम अलग है, पारब्रह्म का नाम अलग है, महाकाल का नाम अलग है, उस सच्चे बादशाह का नाम अलग है। तो अलग अलग फिर सबका पड़ गया। लेकिन जब नहीं था तब वो अनाम था, विस्तार नहीं था, इसलिए जब विस्तार हुआ तो नाम पड़ा। हाँ, नाम अनाम शब्द परमाना, शब्द बिना होए सबकी हाना। कहते हैं कि नाम अनाम उसे शब्द से ही जाना गया, बिना शब्द के न नाम जाना जाएगा, न अनाम जाना जाएगा, न रूप जाना जाएगा, न स्थान जाना जाएगा। इसलिए शब्द की बहुत बड़ी महिमा है और वो तुम्हारे मतलब मस्तक में हो रहा। तुम जरा सा अपने मस्तिष्क को साधन के वक्त में, भजन के वक्त में उलट करके, कान लगा करके, ध्यान दे करके सुने, सुस्ती और काहलियत जमाई को थोड़ा सा दूर करके, जरा सचेत होकर के और साधन भजन करने लगे तो क्या नहीं अंदर में हो रहा। वो तो मालूम दूर होता है लेकिन हो रहा बिल्कुल करीब, पर कानों के ऊपर में इतने पर्दे हैं गंदगी के, जिसकी वजह से ऐसा मालूम होता है कि बहुत दूर हो रहा है। जब वही साधकों के पर्दे साफ हो जाते हैं तो बिल्कुल एकदम से मालूम होता है कि हर वक्त हमारे मनुष्य रूपी मकान में ही हो रहा। तो वो धार ऊपर से आ रही है, नाम आवाज की धार आ रही है और वो सुरत तक आएगी। जब तक एक भी सुरत रह जाएगी तब तक वो धार काम करती रहेगी आवाज की। जब सारी सुरतें यहां से चली जाएंगी तो धार भी खिंच जाएगी, आवाज भी यहां से खिंच जाएगी। तो बराबर 2400 घंटे आवाज लगा रही है ऊपर से नीचे को, और जिस तरह से बिजली आती और जाती और आती और जाती है, इस तरह से काम करती है ताकत का। अब ये चाहिए कि सूरत उसके साथ जुड़ जाए तो आने और जाना और आना और जाना इसका हो जाए। हाँ, जस अग्नि तदरूप पखाना, तस तदरूपी शब्द नाम। पर जैसे अग्नि अग्नि में मिल गई, उसका कोई आवाज नहीं रहता, वो एक ही रूप हो जाती है। ऐसे ही सूरत शब्द में मिल जाए तो एक रूप हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि सूरत भी उसी का एक छोटा सा बालका का कण है, छोटा सा एक जर्रा है। और शब्द तो है ही, तो शब्द है वो तो दरिया और समुद्र है। अब ये उसमें मिल जाए तो उसी का रूप बन जाए, उसी ताकत को ग्रहण कर ले, ताकत का रूप बन जाए। अब जब तक ये अलग रहती है तब तक उसे उसका आभास नहीं होता है, और वो रूप और वो बोध नहीं और ज्ञान नहीं, वो शक्ति नहीं, वो प्रेम नहीं, वो आनंद नहीं आता है। लेकिन जब वो मिल जाए तब छोटी सी आंख को बड़े ढेर में छोड़ दो, पता ही नहीं चलता है। एक बूंद को बड़ी बाल्टी में छोड़ दो, मालूम ही नहीं होता है। एक बूंद को तुम किसी दरिया में डाल दो, क्या पता चलेगा, उसी का रूप बन जाएगा, लोग कहेंगे समुद्र है। ऐसे ही जीवात्मा वो सद्रूपी समुद्र में जब ये पड़ जाती है तो बस इसका पता नहीं चलता कि क्या वो भी समुद्र है। हाँ, शब्द ही कारण शब्द ही काज, शब्द रचाया सगला साज। सारा का सारा साज सामान, शब्द जो है वो काज भी है काम करने वाला, और शब्द कारण भी है, कारण भी बनता है, काम भी बना देता है, दोनों काम विस्तार भी कर देता है, शब्द सिमटा भी कर देता है। जब महात्मा नहीं मिलते हैं तो ये विस्तार भौजाल का हो रहा, जब महात्मा मिल गए तो उसी शब्द ने सिमटाव कर दिया कि तुम ऐसे फंस गए और ऐसे निकलो। अब वही सूरत इंद्रियों के दरवाजों पर ताकत खर्च कर रही थी, मन को दे रही थी, विषय विकारों में ताकत काम आ रही थी, उसी को लौटा करके और नाम के साथ में जोड़ दिया। तो कारण भी और कार्य भी दोनों काम करता है, एक ने विस्तार कर दिया, एक ने सिमटाव कर दिया, एक ने फंसा दिया, एक ने निकाल दिया, दोनों काम होते हैं। शब्द से भी शब्द ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, अब अनामी में शब्द था, अनाम था, जब उस उधर से शब्द आया तो नाम पड़ गया। वो अगम पड़ा नाम, अलग पड़ा नाम, सत्य पड़ा नाम, उसके बाद फिर विस्तार हो गया तो निरंजन नाम पड़ गया, ब्रह्म नाम पड़ गया, पारब्रह्म पड़ गया, महाकाल नाम पड़ गया, उसके देवी देवता नाम पड़ गया, ब्रह्मा विष्णु नाम पड़ गया। फिर हमारा पंडलों में पूरा शब्द का विस्तार है, वहाँ के देवी और देवता जिन जिन रूपों में जिन जिन शरीरों में रहते हैं वो शब्द से वो भी गुंजारमान, शब्द में शब्द और शब्द से शब्द, सूरत में भी शब्द है और वहाँ उस पुरुष में भी शब्द है, और उसी से सारा खेल चल रहा है। जो कुछ भी अब इधर में भी है, हम सब लोग हैं, शब्द देते हैं, ये काम करो वो काम करो, ये आवाज दी वो आवाज दी,
ऐसा करो, ऐसा बिगाड़ दो, इसको रखो, उसको ऐसा, ये सारा सत्य की रचना इधर है। इधर सत्य खत्म हो जाए ना, ये काम होगा ना वो काम होगा, तो इधर में ये जड़ता, इधर ये संत नाशवान, जिन चीजों का बोध जड़ता से निकलता है वो नाशवान चीजें हैं, जितनी चीजें बनेगी सब नाशवान। अब आवाज निकलती है जड़ता शरीर से, ये भी नाशवान, जिन चीजों का बोध कराता है वो भी नाशवान, बन भी जाती है वो भी नाशवान है, बिगड़ भी जाती है वो भी नाशवान है, ये सब चीजें नाशवान। तो इधर भी और उधर भी, अब इधर में तो जो है अंधकार है, उधर है चेतनता प्रकाश है। अब उस प्रकाश का बोध मनुष्य रूपी मकान में हमें करना है, तो वही हम काज भी बना और कारण भी बना। बोलो ओम शब्द निरंजन शब्द ब्रह्म शब्द और माया शब्द, शब्द ही जीव शिव भी शब्द, शब्द से सुरत सुरत से शब्द। कहते हैं कि सब माया भी है, निरंजन भगवान भी है, ओम भी है, सूरज भी है, ये सब शब्द ही है, बिना शब्द के कोई काम नहीं चल सकता है, इसलिए सूरत शब्द में अपनी प्रोदो समा दो, मिला दो, जोड़ दो, शब्द का रूप बन जाए, बस खेल तुम्हारा सब कुछ सफल हो जाएगा, बन जाएगा। और जब तक ये सूरत शब्द को नहीं पाती है, तभी तक ये रो रही चिल्ला रही, और तभी तक इसको हैरानी परेशानी मरती है जलमती है, इस कारागार में उस कारागार में ठिकाना नहीं मिलता है। लेकिन यही बूंद उसमें प्रवेश कर दी जाए, बस सारा आना जाना इसका उसका छोटे बड़े का सबका छूट जाए, वो जो दुख और सुख का भान करती थी वो भी उसको मिट जाए, बिछुड़ने का ये भी उसको जो अनुभव होता था कितना उसको दुख होता था, अब वो शब्द की जात के साथ तुरंत मिल जाए तो अपनी जात में पहुंच जाए, काम उसका हो गया। ओत पोत यो शब्द ही शब्द, ऊंच नीच दो शब्द ही शब्द, इधर भी शब्द उधर भी शब्द, आग में भी अंत में भी मध्य में भी, चारों तरफ शब्द ही शब्द है, ऊंच और नीच सब जगह शब्द, जिनको हम नीच कहते हैं वहां भी शब्द है, जिनको हम ऊंच कहते हैं वहां भी शब्द है, अंधकार में भी शब्द है, प्रकाश में भी शब्द है, शब्द सब जगह चाहिए। तो धुंधकार हो, बिजली जलती हो या ना जलती हो, बत्ती जलती हो या ना जलती हो, पानी बरसता हो ना बरस, हर जगह शब्द की जरूरत, बूंद भी गिरेगी उसमें भी आवाज, सब जगह पर काम शब्द का हो रहा। शब्द ही सेवक शब्द ही स्वामी, शब्द ही घट घट अंतर जामी, कहते हैं कि शब्द भी जो व्याख्या है वो सेवक की है, स्वामी की भी है, अंदर और बाहर सब जगह शब्द रम रहा। उसी शब्द की व्याख्या महात्माओं ने प्रकाश के रूप में, दैवी शक्ति के रूप में, पार ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म के रूप में, ईश्वर के रूप में, अनेक शब्दों से उसको लोगों को बताया, बोध कराया, लेकिन है सारा का सारा खेल शब्द का, नाम का, आवाज का। शब्द न मरे अमर भी शब्द, शब्द न जरे अजर भी शब्द, शब्द कभी न जरता है न मरता है, न छोटा है न बड़ा होता है, वो अजर है अमर है और हर जगह पर है, उसी को हमें प्रकट करना है। गंदगी जितनी हमने अपने ऊपर में चढ़ा दी है उसी को उतार करके अलग कर दो, सारा खोल उतर करके अलग हो जाए, ये सूरत शब्द में समा जाएगी, फिर देखो न जत्ता न मरता न छोटा न बड़ा न जूदा न लगड़ा न अंधा न बहरा न सुबह न शाम न दिन न रात, समझ न वहाँ कलेश है संताप है न शोक है, किसी तरह की कोई नीच ऊंच की झगड़े झंझट की बात नहीं, शब्द की चीज है। इसी शब्द के लिए महात्माओं ने, कबीर ने, रैदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने, नानक जी ने, बहुत से महात्मा आए, इसी शब्द की इतनी उच्च व्याख्या की और उसी की बोध कराने के लिए उन्होंने अपने अपने समय पर पूरे प्रयास किए, लेकिन वो जमाना दूसरे ढंग ढांचे विचार चलन चाल देख टेख पूजा पाठ उपासना समझ गए मान मर्यादा इत्यादि का था, लेकिन संतों ने धीरे 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 अपना संस्कार डालते 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 इतनी दूर जा करके उनको छोड़ दिया कि हर एक आदमी को अब वास्तव में नाम शब्द आवाज की उपासना बिना किए हुए इस कलयुग में इनका कल्याण जीव का कभी हो ही नहीं सकता है। ये सब संतों और महात्माओं की ही कृपा बराबर चली आ रही और वो उस रास्ते तक पहुंचा देंगे जबकि दुनिया के लोग ये कहने लगेंगे कि वास्तव में संत मत कितना सुगंध इस कलयुग में आया, सरल युग सरल कर्म युग और सुगम कि इतना सुगम और सरल इस कलयुग में संतों के नाम शब्द का प्रचार उसकी साधना में सफलता अनुभव सूरत शब्द के साथ जुड़ जाए, ये सब संतों ही की कृपा से सब होता।
चला आ रहा और अब आगे इसी तरह से होगा। और एक वक्त और एक समय आएगा जबकि भारतवर्ष में लोग सभी संत मत को स्वीकार कर लेंगे। जात पात के विवाद छोटे बड़े ये देख रहे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हर कौम के लोग तुम में सम्मिलित हैं, बैठे हुए हैं, कोई किसी को पूछता नहीं। भावना बिल्कुल एकदम किस तरह की हो गई कि हम सब एक ही हैं। हो तुम एक ही, सचमुच एक ही हो, एक देश के हो, एक घर के हो, एक रास्ते के हो, एक आराम के हो, एक आनंद के हो, एक प्रकाश के हो, एक शक्ति के हो, एक पिता के हो। लेकिन यहाँ आकर जब तुम भूल गए तो 12 रास्ते 12 बात अलग अलग हो गए। कोई कहता है मैं ये हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ भिन्न भिन्न से, और ये सब क्यों हुए भूल कर। लेकिन जब समझ आई तो यहाँ सब बैठते हैं। अरे हम तो एक घर के रहने वाले थे, अरे क्या छोटे और क्या बड़े, चलो अपने घर में तुम्हें ये जो सूप बंधा हुआ है अपनी पूछ में, इसको खोल करके अलग करो और हल्का हो जाए, चलो अपने घर में चल पड़े। साथ के साथ छोटे बड़े लग गए इस काम के लिए, अपना सौभाग्य समझने लगे और अपने जीवन को जो बचा हुआ था उसको धन धन कहने लगे। और अब वो लग गए सबके सब। तो मैं तो ये कहूँगा, चाहे वो जंगलों में बड़े बड़े कमराओं में महात्मा गुफाओं में भजन करते हों, ठीक है वो भजन करते हों जैसा लोग कहते हैं, वैसे आजकल के युग में कमराओं में कोई भजन कर नहीं रहा है, केवल कल्पना मात्र की बात है, भजन कोई ही नहीं कर रहा, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण है और बिना अन्न के वो कंदराओं में बैठ करके भजन नहीं कर सकते, उनको अन्न चाहिए। जब लोहू में, जब हड्डी में, उस समय पर जब प्राण थे तब तो लोग बैठ करके हजारों बरस तक कंदराओं में भजन कर सकते थे, ठीक था, तो वो सतयुग द्वापर और त्रेता समाप्त हो गया। अन्न में प्राण है और अन्न उनको मिलना चाहिए, और कंदराओं में जब अन्न नहीं मिलेगा तो कोई भी भजन नहीं कर सकता। ये दुनिया की कपोल और कल्पित केवल बातें हैं। इसी ग्रस्त आश्रम में वो सतयुग त्रेता का जो आप समझते थे वो कलयुग में सुगम, उससे भी बहुत ऊंचा योग यानी इन ग्रस्तों को प्राप्त होता है और हो जाएगा, लेकिन कंदराओं में रहने वालों को नहीं। इसलिए कंदराओं में चाहे वो करते हो दुनिया के विचारों से, लेकिन इन प्रेमियों के सामने कुछ नहीं कर पाते। प्रेमी बहुत कुछ कर रहे हैं, इनको सच्चा रास्ता, अरे बताने वाले भी तो सच्चे मिले, रास्ता भी सच्चा, भेद भी सच्चा, उपासना भी सच्ची, तो इनसे बड़ा भागशाली और कौन हो सकता है। हरिद्वार में महात्माओं ने आपने देखा 100-100 की टोली, 50-50 की टोली हर वक्त आती रहती थी, कितनी श्रद्धा। वो भी ये कहते थे कि भाई हमको ऐसा सत्संग सुनने को कभी नहीं मिला। मान गए, साधु भी मान गए, क्योंकि वो भी तो आदमी है, अरे वो भी तो जीव है, वो भी तो मन बुद्धि रखते हैं, वो कोई सोना तो नहीं है हमारी तरह से, उनको भी सर्दी गर्मी जाड़ा लगता है, उनको भोजन पानी की जरूरत पड़ती है, वो भी तो मनुष्य है। अब रह गई कपड़े वाली बात, तो अगर कपड़े से कहीं भगवान सिद्ध हो जाए तो कल हम सब लोग गेरू कपड़ा पहने क्या बात, क्योंकि जब गेरू कपड़े से भगवान सिद्ध हो जाए तो सभी पहनने के लिए तैयार है। ना गेरू से सिद्ध होता है, ना सफेद से सिद्ध होता, ना लाल और काले से सिद्ध होता है, सिद्ध होता है तो आत्माओं के जगाने और पवित्रता, महात्माओं की कृपा से सुगम कलयुग का जो नाम मार्ग उसके मिलने पर होता है। लेकिन वैसे कहें कि वैसे कुछ हो जाएगा तो कुछ हाँ, शब्द गुरु और शब्द ही दास, शब्द बिना झूठी सब आस। शब्द का एक रूप छोटा और वो शब्द एक गुरु, वो गुरु का काम और ये शिष्य दास का काम, तो शब्द दास भी बने और शब्द गुरु भी बन जाए। एक शब्द जो है गुरु बनकर ज्ञान देता है, एक शब्द वो है कि जो दास बनकर के सेवा आज्ञा और भक्ति करता है। सूरज उसी का छोटा रूप, एक कतरा, एक जर्रा, बालुका का कण, वो दास बन गया और वो शब्द एक महान गुरु बन गया, ज्ञान देता है, हम उसकी भक्ति करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, उसमें मिल जाते हैं, लय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो एक विस्तार कर दिया, दास का भी काम कर रहा
और गुरु का भी काम करता है, ज्ञान का भी काम कर रहा, तो इधर भी सत्य और उधर भी सत्य, सारा खेल नीचे से ऊपर तक आवाज का शब्द का नाम था। शब्द बिन से बिन से काया, खोल का विनाश होता है, जड़ता का विनाश होता है, पर्दे का विनाश होता है, शब्द का विनाश कभी नहीं होता। बादलों के पर्दों का विनाश होता है, सूरज तो दिखाई देता ही, बादल आ गए मालूम हुआ कि सूरज छुप गया, पर्दे हट गए सूरज अपनी जगह पर, तो शब्द अपनी जगह पर है, बाकी नाश होता है काया का, चाहे पशु काया हो, चाहे वो पंछी काया हो, चाहे वो पतंगों की काया हो, चाहे वो स्थूलता की काया हो, काया का विनाश हो जाता है, शब्द का कभी विनाश नहीं होता है, सूरत का कभी विनाश नहीं होता है। जब तक सूरत पर्दों में रहती है तब तक इससे उस पर्दे में, उससे उस पर्दे में काया का विनाश होता जाता है, जीवात्मा का विनाश नहीं होता है, लेकिन उस काया में फंस कर जीवात्माओं को तकलीफ होती है, क्योंकि वो जड़ता में फंस गई, उन्हें अपना सुख अपना आनंद आराम मिलता नहीं, अपना ज्ञान मिलता नहीं, इसलिए वो बेचैन और तड़पती रहती है। तो पर्दों के द्वारा जीवात्माओं को तकलीफ होती है, एक शब्द तकलीफ पाता है और एक शब्द जो आराम पाता है, जो आराम पाता है वो तो है गुरु, जो तकलीफ पाता है वो दास। बोलो, शब्द बिन से बिन से खाया, शब्द बिना कछु हाथ न आया। कहते हैं शब्द कभी नहीं बिनसता, बिनसती है काया, अब वो बिना शब्द के कुछ हाथ आने वाला है नहीं। जितनी भी जड़ वस्तुएं जगत में है, जब ये सरूर मरुस रूपी काया जिसने दिए वो निकाल करके अलग जीवात्मा को कर देता है, काया जमीन पर पड़ी रह जाती है, काया का विनाश हो गया, लेकिन सूरत का क्या? सूरत को तो कहीं ना कहीं रखना ही है, चाहे उसमें रखना चाहे उसमें रखना है, उसे तो रखना पड़ेगा, और वो कहीं अगर इस काया से सत्य में मिल गई तो फिर हमेशा के लिए छूट गई, फिर न इसका विनाश न सत्य का विनाश। हाँ, शब्द कहा सब संतन सारा, शब्द बिना कैसे निर्वार। सारे संतों ने आकर के शब्द को वर्णन किया, जितने भी संत आए, और ये कहा बिना नाम बिना शब्द के जीवों का निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। अब उसकी जरूरत और आवश्यकता कि शब्द को हम पहचान लें, शब्द का रास्ता जान लें, दरवाजा जान लें, तो उसी से निस्तार हो जाएगा। जब भजन करते हो तो इसी निस्तार के लिए करते हो कि शब्द सुनने में आ जाए, हम उसको पकड़ लें, उसको जान लें, उसको पहचान लें, उससे जुड़ जाए, मुझे पकड़ ले। इस तरह से जैसे कि बाप उंगली पकड़ता है, ऐसे ही शब्द हमारी सूरत को पकड़ ले तो हमारा निस्तार छुटकारा हो जाए जन्म और मरण। तो शब्द की जो है वो सब संतों ने महिमा की, व्याख्या की, बताया, सूरतों को जोड़ा, वह सागर से पार किया, और अब भी वही बात आपके सामने है। शब्द गहीर शब्द गंभीर, शब्द बिना पद मिले न थीरा। आए जीवात्माओं, शब्द गहर गंभीर, इतना गहरा है कि अथा, और शब्द ऐसा है कि पहचान भी लो, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा, और बिना शब्द के काम नहीं होगा। इसलिए शब्द की कमाई कर तू मेरे प्यारे मीत, आए दोस्त तू शब्द की कमाई मनुष्य रूपी मकान में मरने के पहले गुरु कृपा लेकर आज्ञा का तन्मय होकर लगन के साथ तड़प के साथ बैठ करके अंदर उसको पुकारें और उसको मसाले को उसको उतार करके अलग करें और अपनी सूरत को शब्द के साथ घंटे के साथ घड़ियाल के साथ संघ के साथ उनके बादलों की गरज मृदंग के साथ और भी बहुत से शब्द उनके साथ जोड़कर और जितना भी उसके साथ गंदगी चिपती हुई है वो सात फुलझड़ियों की तरह से झड़ती चली जाएगी। जैसे जैसे शब्द ऊपर से उतरता आएगा वैसे गंदगी सब साफ होती जाएगी और सूरत और मन दोनों निर्मल होते चले जाएंगे। शब्द बिना कोई हो न धीरा, बिना शब्द के किसी को ज्ञान नहीं मिला और ना कभी वो बिना शब्द के ठौर ठिकाना पाएगा। शब्द की जरूरत है नाम की और महात्मा इसका भेद जानते हैं और कोई नहीं जानता। खाली कपड़े पहन लेने से, यहाँ वहाँ घूमने से, इधर उधर जल चढ़ाने से, इधर उधर दर्शन करने से उससे कुछ भी काम होने वाला नहीं। देखो असली बात तो यह है कि इतने दिन हो गए आपको सत्संग में, हरिद्वार में आप गए, ठीक है हमारे सामने कहीं भी हो आओ, ध्यान तो तुम्हारा यह है कि चलो भाई हरिद्वार में कहीं देख जाएंगे, लेकिन पहुंचना है चलो अपने मुकाम पर पहुंचना है और अपना सत्संग सुनना, तब तो आपको फंसने का कोई चारा नहीं, क्योंकि गए देख करके आए, चलो भाई यहाँ आए, बहुत लोग महिमा करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं,
चलो देख ले आंखों से ताकि कोई भ्रांति भ्रांति न रह जाए, अपनी भ्रांति को मिटा दे। लेकिन ध्यान लगा हुआ सत्संग का ख्याल है हमेशा कि भाई रास्ता तो हमारा ये सच्चा है, इधर तो है नहीं, इधर से तो दिखा दिखा करके मोड़ा जा रहा है।